जैसे शनिदेव मंदिर है ये हर लोग जैसे कि मैडम मैडम भगवान हनुमान में बिलीव करती है और उनका पूरा हक बनता है बिलीव करने का, कोई रोक नहीं सकता उनको, बरोबर है। अब अगर उनको मंदिर जाना है राइट, अगर एक मंदिर करके एक व्यवस्था बनाई है तो वो क्यों नहीं जा सकती है? मैं आपको पूछती हूँ, आप क्यों बोलते हो कि आपके घर में मंदिर बनाओ, घर में प्रे करो? अरे भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। कुछ समय के लिए महिलाओं के लिए जैसे बोला इन्होंने कि कुछ समय के लिए नहीं जाना जा सकते, तो वो एक नीति नियम के अनुसार भी आता है। वो नहीं, वो क्या करती है? तो ये भी नीति नियम के अनुसार समझ लीजिए ना। अरे ये दोनों नीतियां अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन नीति नियम तो लागू होते हैं ना। वो एक भी ये भी बात बोल दूं, अभी कई लोग ये मानते भी नहीं है। मैं सच बोलती हूँ आपको, एक दिन एक फंक्शन में भी कुछ दिन पहले गई, ठीक है, एक समाज का फंक्शन था, जी जी जी। मैं थोड़ी साइड में खड़ी रही, दिया था तो मेरे को बोला, मैंने कहा नहीं मैं तो साइड में खड़ी रहूंगी, तो समझ गए, लेकिन बोले रुझान सब चलता है, आजा आजा। आप समझे? यानी अब वो महिलाएं भी सीख गई, मैंने मना किया क्योंकि मेरी बिलीफ है, मेरी बिलीफ है, तो मैंने किसी और को तो नहीं रोकूंगी कि नहीं तुम मत जाओ, तू नहीं जा रही, तुझे जाना तो तू जा, मुझे नहीं जाना था, मैं मेरी बिलीफ के कारण खड़ी रही थी बाजू में। इसलिए मुझे कहना है कि हु इज एंड कोई और कौन होता है मेरे पे थोपने के लिए। अभी लड़त हमारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है, फ्रीडम की है, लिबर्टी की है, वो लड़त चल रही है सर। अभी लड़त वो नहीं चल रही है कि घर में खुद के घर में पूजा करो, वो तो सबका घर है, सब अपने घर में पूजा करते हैं। धर्म ना शास्त्रों गणों के संस्कृत गणों तमें हिंदू धर्म ना आधार पर जे 500 800 हजार वर्षों नी परंपरा जे एने तोड़वानी बाबत छे। पहलो सर बीजी बाबत, आपे फ्रीडम एक हनुमानजी ना मंदिर में जसो, बधी महिलाओ तो हनुमानजी ने मानती नथी, बधा अलग अलग मंदिरों में जाय छे, त्यां एमने परमिशन छे, पण शंकर भगवान नुं मंदिर आवे के हनुमानजी नुं मंदिर आवे के शंकर शनि महाराज नुं आवे, ત્યાં તમે પ્રવેશ મેળવીને શું હાંસલ કરી લેશો? સવાલ ત્યાં તમને ફ્રીડમ નથી એવો અનુભવ થાય એટલા માટે ઇક્વાલિટી ના ના ઓકે સાહેબ, ઇક્વાલિટી નો મીનિંગ શું છે? કે તમે નું બધા ઇક્વલ અને ઇક્વાલિટી કહેવાય, બરોબર છે? એટલે હું એ હાંસલ કરી રહી છું એઝ અ વુમેન, મને એ હાંસલ થાય છે કે હા મને ઇક્વાલિટી મળી છે, હું અગર આ દેશ ની નાગરિક છું, માનો જેનો મતલબ કે મંદિર માં સાચા ભગવાન બેઠા છે, નહીં 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 મુસ્લિમ રિલીજન માં ભી કહ્યું ને બીજા ક્રિશ્ચિયન માં ભી કહ્યું કે આ બધા સોકોલ જ્ઞાનીઓ બુદ્ધિજીવીઓ એક હોદ્દા પર બેસી જાય છે ને પોતાની ચલાઈ લે છે, બરોબર છે? ધર્મ કે ઠેકેદાર, ધર્મ કે સોકોલ ઠેકેદાર, અને ધર્મ કે ઠેકેદાર કો કિસને ખડા કિસને ક્યા ઉનકે પૂર્વજો ને હા અભી તો પોતે ગાદી ગાદી જો પ્રથા હે મહિલા મહિલાઓ કા ભી યોગદાન નહીં નહીં મહિલાઓ કા કોઈ વો ભી ઠેકેદારો કો માનતો હે ગાદી પ્રથા જો હે ના ગાદી તો આપ નહીં બોલ સકતે કે નહીં માનતી ચાલ રહા થા ના ક્યા કહો અખ મેરે કો સતી બનના અચ્છા નહીં હે લેકિન અબ જબ પ્રથા યે સબ મુજે ધકેલે કે તો મેરે પાસ ચોઇસ નહીં હોગા ફિર બોલ કે યે તો સતી બને અરે અપને દિલ સે થોડી સતી બને ઉસકો ધકેલા ગયા અગર કિસી બંદે કી કોઈ પ્રીમાઇસિસ હે ઉસમે ઉસ